अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। अगर आपने भी 20,000 रूपए से ज्यादा का कैश लेन देन किया है तो आने वाले दिनों में आपकी मुश्किलें पड़ सकती हैं। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऐसा मुहिम शुरू करने जा रहा है जिसके तहत प्रॉपर्टी या फिर घर खरीदने के लिए 20,000 रूपए से ज्यादा लेन देन करने वाले के लिए एक डाटा तैयार कर रही है और ऐसे लोगों को आयकर विभाग नोटिस भेजने की तैयारी में है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दिल्ली डिवीजन यह मुहिम शुरू करते हुए ऐसे लोगों के नाम की लिस्ट इकट्ठा कर रही है जो प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए 20,000 से अधिक का कैश पेमेंट करते हैं। आईटी विभाग ने दिल्ली के 21 उप रजिस्ट्रार ऑफिसों में पहुंचकर साल 2015 से 2018 के बीच की जाने वाली रजिस्ट्री को स्कैन किया है। विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने जून 2015 से लेकर दिसंबर 2018 के बीच प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के दौरान 20,000 से अधिक का कैश ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों की लिस्ट निकाली है। दरअसल काले धन से निपटने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों में कई बदलाव किए थे। इसी के तहत विभाग ने साफ किया है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के दौरान 20,000 से ज्यादा का कैश लेन देन नहीं कर सकते हैं। विभाग ने साफ किया है कि ऐसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। गौरतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT की ओर से 1 जून 2015 से लागू कानून के मुताबिक कृषि भूमि सहित रियल एस्टेट की किसी ट्रांजैक्शन में 20,000 रूपए से अधिक का ट्रांजैक्शन चेक RTGS या NEFT जैसे माध्यम से ही किया जा सकता है। यदि कैश ट्रांजैक्शन इस सीमा से अधिक है तो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 271D के तहत उस राशि के बराबर जुर्माना कैश प्राप्त करने वाले विक्रेता पर लगाया जा सकता है। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को।